नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यौगिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संसार का हर व्यक्ति चाहता है वो एक सुखद दाम्पत्य जीवन यापन करे। हर व्यक्ति चाहता है उसका परिवार हमेशा खुश रहे और जीवन में आने वाली हर समस्या को मिलकर दूर करे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आचार्य चाणक्य द्वारा एक सुखद दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में कही गई बेहद महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है, जिस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रसन्नता और विश्वसनीयता बनी रहती है, वह व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, चाहे व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, यदि उसका दाम्पत्य जीवन प्रसन्न, मधुरता और विश्वसनीयता में नहीं है, तो वह व्यक्ति सदैव मानसिक तनाव से जूझता रहता है और व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति को अपने जीवन में सुख, मधुरता और सफलता चाहिए, तो सबसे पहले अपने घर, परिवार और दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अधिक प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, व्यक्ति की सफलता में एक योग्य जीवन साथी का विशेष योगदान होता है और यह 100% सही है दोस्तों, और इसीलिए पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति की दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रसन्नता होता है, वह व्यक्ति अपने सभी भौतिक कार्यों को बेहतर ढंग से करता है और हमेशा अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है और चिंता मुक्त होकर अपने सभी कार्यों को प्रसन्नता के साथ पूरा करता है। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी अपने चाणक्य नीति में बताते हैं, हर व्यक्ति को अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर सजग रहना चाहिए। दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता रेशम की डोर की तरह होता है। अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार की पवित्रता की कमी नहीं आने देना चाहिए। पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति समर्पित और ईमानदार रहना चाहिए। संकट के समय एक दूसरे की ताकत बने। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार संकट के समय में ही सच्चे मित्र, सेवक और जीवन साथी की पहचान होती है। इसलिए संकट के समय पति पत्नी को एक दूसरे की ताकत बनकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हमें संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। यदि पति और पत्नी के रिश्ते में मजबूती है, विश्वास है, तो बुरे से बुरे वक्त को भी आसानी से गुजारा जा सकता है। इसलिए संकट के समय में एक दूसरे की मजबूती बनने का प्रयास करें। दोस्तों, ये तो थी दाम्पत्य जीवन को लेकर आचार्य चाणक्य द्वारा चाणक्य नीति में कही गई कुछ बातें, जिसे अपने जीवन में अपनाकर हम अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई सभी बातें 100% सार्थक है, इसे हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया आपके अपने इस चैनल योगिक इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी को दबाकर आल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इसी प्रकार की जानकारियों से भरी वीडियोस। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।